गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यह है आपका चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 क्या है? साधारण भिन्न के प्रकार और तुलना, जिसमें मैंने आपको कल बताया भी था भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 6 प्रकार के। उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा होता है हर से। विषम भिन्न, जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मेल, वो मिश्र भिन्न कहलाता है। फिर इकाई भिन्न, जिसमें अंश एक होता है। और पांचवा क्या है? सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न में क्या होता है? इसके हर, इन भिन्नों के हर जो है वो समान होते हैं। और असमान भिन्न में इनके हर जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कल समझाया था। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, जिसमें आपको बताया गया है छायांकित भागों को दर्शाने वाली भिन्नों का उचित चित्र से मिलान कीजिए। इसमें आपको पहले मैं ये बात बता दूं, भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है छायांकित भाग बटे कुल भाग होता है। जैसे कोई सी भी आपको दे दिया जाए चित्र, देखिए जैसे आपका प्रश्न एक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न एक है, जैसे इसमें आपको क्या करना है? छायांकित भागों को दर्शाने वाली भिन्नों का उचित चित्र से मिलान कीजिए। जैसे इसमें क में आपको दिया है 4/5, ख में आपको दिया गया है 8/11, ग में दिया गया है 7/12, घ में दिया गया है 5/8 और ड में दिया गया है आपको 3/10। यानी जैसे 4/5 है, इसका मतलब क्या है? 4 कुल भाग है, जो भी आपको चित्र जो दिए गए हैं उसमें कुल भाग है 5 और उसमें से 4 भाग छायांकित हैं। देखिए अब आपको इसके आगे मैं बना रही हूँ, आपको इसमें तो मिलान करना है, फिर आप मिलान खुद करेंगे अपनी बुक में, लेकिन अपनी नोटबुक में इसी तरह से करेंगे। देखिए इसमें आपको इस तरह से चित्र दिया गया है आपकी बुक में, कुल कितने चित्र भाग होंगे? 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से 4 भाग छायांकित होंगे। 1, 2, 3, 4, यानी समझ में आया छायांकित भाग बटे कुल भाग। अब इसे 8/11, यानी कुल भाग इसके कितने होंगे? कुल भाग होंगे 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 11 में से 8 भाग छायांकित है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपको अपनी बुक में इससे मिलान करना होगा। फिर है 7/12, तो यानी इसमें कुल कितने भाग होंगे? 12 भाग होंगे। कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें से 7 भाग छायांकित होंगे। 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से 5/8 है, इसमें 8 भाग होंगे। कुल भाग कितने होंगे? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसमें से छायांकित भाग कितने होंगे? 5 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से इसमें 10 भाग होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ दस, दस भाग हो गए और उसमें से छायांकित कितने होंगे, तीन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, कोई से भी तीन कर सकते हो, एक दो तीन, कोई से भी तीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से भिन्न और किस तरह से आपको इसका मिलान करना है। तो आज आप इतना ही करिए, लेकिन मैंने जो शेड आपको आपको अच्छे से पूरा भरना है, पेंसिल से कर दीजिए लेकिन इसको अच्छे से भर के करना है। तो आज आपका होमवर्क इतना ही है, डू क्वेश्चन वन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इन नोटबुक, आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है और बुक में इसको मैच करना है। ओके, थैंक यू।